शायद एक और गुड न्यूज़ है कि आपके भाई ईशान की डेब्यू करने वाले हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कर ली उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर आगे मतलब, और सारा भी उनको इस जोड़ी को इस मैडम इस जोड़ी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपको एक एक्टर आपके भाई जी। मैं अभी फ़िलहाल कोई होता नहीं इस पे कमेंट करने पे कि वो कब डेब्यू कर रहे हैं, किसके साथ डेब्यू कर रहे हैं, किस फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। कुछ बातें जो आपने कही वो सही हैं, कुछ बातें मेरे हिसाब से गलत हैं। अभी जो उनको कास्ट करेंगे वो उनके माई बाप हैं और वो ही डिसाइड करें कब बात करनी है उनके बारे में और क्या करनी है। हाँ, ज़रूर ईशान फिल्में करना चाहता है और कभी ना कभी फिल्मों में ज़रूर नज़र आएगा। अब वो अभी होगा या थोड़े वक्त बाद होगा ये आपको सही लोग बताएंगे, मैं सिर्फ उसका को एक्टर बन जाऊंगा उसके बाद। ईशान लुक समझ आई है कैसा रहा एक्सपीरियंस जी? मैं फ़िलहाल सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा होने का मौका मिला और अभिषेक सर जैसे लोगों से सीखने का मौका मिला। एंड आज के दिन बहुत खुश हूँ मैं बस, एंड एंड आई जस्ट होप दैट पीपल हैव लाइक्ड एंड लव्ड द फिल्म व्हिच इट सीम्स लाइक। सो दैट्स ऑल आई हैड लाइक। उसके बारे में देख, फिलहाल तो मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उसके बारे में। उसके बारे में मैं आई एम नॉट इन अ प्लेस टू टॉक अबाउट इट। नहीं होती तो और ज्यादा बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस करती। इन चीजों के बारे में मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे। आई एम गो इनसाइड मीट माय डायरेक्टर नाउ। मैं सिर्फ यहां पर चुपचाप अपने डायरेक्टर साहब से मिलने आया हूं और बाकियों के साथ सेलिब्रेट। प्लीज अलाउ मी 25% 20% ज्यादा बिजनेस। आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दिस थिंग्स। जैसे कि मैंने कहा मैं सीख रहा हूं और मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा हूं कि मैं सीख सकूं और इस काबिल हो सकूं कि मैं आई कैन डू गुड वर्क इन द फ्यूचर। शाहिद से क्या सीखा? उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये मुझे मालूम है मैंने उनसे क्या सीखा है। इस फिल्म, ये फिल्म बहुत ही ख़ास रही है। उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट और उनको ऑब्जर्व करने का मौका मिला, एंड इट हैज़ बीन वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच। माफ़ कीजिएगा सर, मैं अंदर जाऊँगा।